এই রেকর্ডিংটা স্টার্ট হলে একটু বলিস তো। হয় না? হ্যাঁ স্যার, ওকে, আর লাইট থোড়া ইস্যু। ওকে, গুড মর্নিং এগেন অ্যান্ড হ্যাপি হোলি টু অল অফ ইউ স্যার। আচ্ছা, তো স্টক মার্কেট ট্রেডিং, আর স্টক মার্কেট ট্রেডিং মে হম লোক এভরি উইক টেকনিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিউচার অ্যান্ড অপশনস কা ক্লাস করতে হ্যায়। তো কল কা ক্লাস তো অফ থা ডিউ টু হোলি। তো কল হম লোক নর্মালি টেকনিক্যাল পড়তে হ্যায়, তো কল কা ক্লাস আজ কর লেতে হ্যায়। অর আগলা জো আপকামিং ডেজ হ্যায় উসপে হম লোক মতলব কল অ্যান্ড পরসো মতলব থার্সডে অ্যান্ড ফ্রাইডে वहां पर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इक्विटी डेरिवेटिव को कंटिन्यू करेंगे। तो सर आज टेक्निकल पे क्या पढ़ेंगे वो मैं बताता हूँ। उससे पहले सुमित ने मेरे को थोड़ा सा सवाल किया, जवाब नहीं देंगे तो फिर गुस्सा हो जाएगा। चलो सर बोल देते हैं। सर जैसे ये देखो, ये जो करेंट टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम है इसमें आप लोग एनएससी का एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। इसमें आपके सामने रहेगा एज वेल एज एनएससी एंड एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट पार्ट का भी एरिया कवर हो जाता है टेक्निकल पे, ठीक है? मतलब दोनों से हो जाएगा। एक आपको आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी एग्जाम दे सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू से, जिससे कि आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल, डाउ थ्योरी कॉन्सेप्ट, ये सब आगे आगे बोलेंगे, चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज, ठीक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न। आज मैं ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न। आज का डिस्कशन सही रहेगा टेक्निकल पे कैंडल स्टिक्स। और जैसे कि सुमित मुझे जो पूछा था कि दादा कि आप बता दो इक्विटी डेरिवेटिव में हम लोग करेंटली किस एरिया को कवर कर रहे हैं। सर हम लोग ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। एक आपका बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव मैंने कवर कर दिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये पूरा का पूरा, ठीक है, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद करेंटली हम लोग बात कर रहे हैं सर इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर, ये नहीं, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे इंडेक्स अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शंस, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, ये सब में बातें होंगी। जैसे ऑप्शन स्ट्रेटेजी एंड ऑप्शंस पे सबसे ज्यादा समय लगेगा, बट करेंटली हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं। तो इनिशियल स्टेज वाइज देखा जाए तो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव एंड फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर। और फ्यूचर में जो अभी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली मैं कॉम्बो करके बात कर रहा हूँ, मतलब फ्यूचर का करेंटली जो डिस्कशन हो रहा है क्लास में वो फ्यूचर के लिए भी एप्लीकेबल होता है और ऑप्शन के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बिकॉज करेंटली मार्जिन रिलेटेड बात कर रहा हूँ। करेंटली जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ दैट इज अबाउट मार्जिन एंड एवरीथिंग। तो ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट फ्यूचर का कॉन्सेप्ट भी जैसे काम करता है, ऑप्शन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर काम करता है, कॉन्सेप्ट वही है बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है, दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। बाकी जैसे जैसे एक एक करके चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको और समझ में। ओके सुमित, बुझा कैसे? ओके, मतलब थर्ड चैप्टर चल जाता है तो। यस, थर्ड चैप्टर। अच्छा तो चलो सर आ जाओ टेक्निकल पे आ जाओ। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोग करेंटली कहाँ हैं, ये कहाँ आ गए हम? सर हम लोग अभी हैं गेटिंग स्टार्टेड विथ कैंडल स्टिक्स। हम लोग लास्ट क्लास पे चार्ट टाइप पढ़ चुके थे, आप लोगों को याद होगा, मतलब तो कितना तरह का चार्ट होता है ना सर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, है ना? 3 तरह का चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा था, ठीक है। उसमें लाइन चार्ट का भी एक खूबसूरती आपके सामने रहा था, है ना, कि लाइन चार्ट क्या है, क्यों यूज किया जाता है। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बार चार्ट क्या है, उसका क्या यूज है, एज वेल एज आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट कैंडल स्टिक्स, कि कैंडल स्टिक्स का जो इतिहास है, ठीक है, किस तरह से जापान के जो राइस मर्चेंट होते थे वो कैसे कैंडल स्टिक को यूज करते थे, है ना? ए मोने पढ़ से की पढ़ से ना ऐसे कैंडल स्टिक्स से बनाया था, उनका नाम याद है ना, होम्मा मुनीशा, याद रखिएगा सर, जापानीज राइस मर्चेंट जिन्होंने इस कैंडल स्टिक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था 18th सेंचुरी में, मतलब 1700 से 1800 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली। तो ये होम्मा मुनीशा, ठीक है, सॉरी 1800 समथिंग, ठीक है। उसके बाद ये होम्मा मुनीशा तो जापानीज राइस मर्चेंट थे, बट उसके बाद कैंडल स्टिक्स को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर जिन्होंने किया वो बेसिकली एक यूएसए का, ठीक है, स्टीव नेशन, ठीक है, यूएस का स्टीव नेशन बड़ा फेमस ट्रेडर थे, ठीक है, 1980s के आसपास के समय में कैंडल स्टिक्स को उन्होंने पॉपुलर किया।
ठीक है। तो कैंडल स्टिक पहले पहले से ही था, जब मतलब एकदम स्टार्टिंग टाइम से कैंडल स्टिक चल रहा था, जब जापान में इसको डिस्कवर किया गया था राइस मर्चेंट के द्वारा। इसके बाद धीरे धीरे ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ स्टीव नेशन के थ्रू से, जो एज ए ट्रेडर दुनिया भर की किताबें और रिसर्च करता रहा, और रिसर्च करते करते उसको दुनिया के सामने भी रखा। वो जैसे जैसे ट्रेड करा, जैसे जैसे उन्होंने यूएस मार्केट में ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल किया, वही चीज़ वो हम लोगों के साथ भी बाद में किताब लिख के शेयर भी किया है ना। ये एक किताब मार्केट में मिलता भी है, जापानीज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक, ये बुक का नाम है, अभी भी आप सर्च करोगे गूगल में शायद मिल जाए। ठीक है, जो बहुत फेवरेट है ट्रेडर के बीच में, आप लोग भी ले सकते हो। ठीक है, ये नॉलेज के लिए कर सकते हैं सर हम लोग। ओके, तो कैंडल स्टिक का एनाटॉमी क्या है, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास। एनाटॉमी मतलब बेसिकली जैसे ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी होता है ना, कि शरीर का ऊर्जा पुर्जा क्या है, वैसा ही एक कैंडल स्टिक का ऊर्जा पुर्जा जो भी है उसको कैसे अंडरस्टैंडिंग किया जाता है, बेयरिश बुलिश हाई लो क्लोज, दिस इज द मेन पैटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्लास में एक सबसे इंटरेस्टिंग जो बात मैंने आपके साथ किया था वो ये था कि टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम एज ए ट्रेडर आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम ही है जो एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाते हैं। क्या हर कोई हर एक टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए? नहीं सर, हर किसी के लिए हर एक टाइम फ्रेम काम नहीं करता। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सब सब सबका अलग अलग टेक्निक होते हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट में, जैसे आप बैट्समैन को अगर देखते हो, इवन फुटबॉल में भी हर एक प्लेयर का अपना अपना टाइमिंग होता है, वैसा ही जैसे क्रिकेट में अगर मैं बैट्समैन का भी अलग अलग आपको कैरेक्टर बताऊं, तो कोई थोड़ा मार के खेलता है, मतलब मार के इन द सेंस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्राइक रेट लेके खेलते हैं, हर बॉल में हिट करते हैं। कोई होता है पुजारा जैसा, राहुल द्रविड़ जैसे, जो बड़ा डिफेंसिव वे में खेलते हैं, है ना। कोई होता है जो थोड़ा सा मॉडरेट, विराट कोहली जैसा, कभी मारता भी है कभी पकड़ के भी खेलता है। तो ये अलग अलग माइंड सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि ये टाइम फ्रेम भी वैसा ही है कि एज ए ट्रेडर आप अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए कौन सा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज करोगे, और इन दैट केस किस तरह का कैंडल स्टिक्स आपके सामने रहेगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर आप मंथली चार्ट पैटर्न फॉलो करते हो, तो बेसिकली मंथली चार्ट पैटर्न वो लोग फॉलो करते हैं जो स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर। तो इन दैट केस आप साल में 12 कैंडल देख पाओगे। चलो, पोजिशनल ट्रेडिंग से एक चीज याद आया, आई होप आप लोग मार्केट के साथ कनेक्टेड हो सभी कोई। आजकल मार्केट कहाँ है सर, मार्केट देख लेते हैं एक बार सर। 17707 में है, वही जैसे एक्सपेक्टेड कि मार्केट मोटा मोटी उसी रेंज में घूम फिर कर रहा है, 17,500 से 18,000 के बीच में, है ना, 18,000 18,200 300 इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। ठीक है, ये देखो सर, 18,200 के रेंज में मार्केट घूम रहा है। अच्छा, जैसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने लिया बहुत अच्छा है, मैं क्लास में बात कर ही रहा था, बट अगर किसी ने नहीं लिया कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे अदानी रिलेटेड स्टॉक का अगर मैं बात करूं, बड़ा मार्केट में चर्चा में रहा है सर, सर हम रोज हर एक क्लास में बात कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम टुडे, इवन पहले का भी क्लास अगर आप देखोगे ना, इससे प्रीवियस जो सेशन हुआ था उस टाइम पे भी, आई थिंक तोता ने मेरे को पूछा था सर अदानी का क्या करें, तो ऑब्वियसली अदानी रिलेटेड बहुत चर्चा मार्केट में। बट चलो, मैं यहाँ पर अभी अदानी का कॉन्ट्रोवर्सी में बात नहीं करना चाहता, दैट इज नॉट माई करेंट मूड। मैं अदानी के कंट्रोवर्सी में बात नहीं करना चाहता, मैं बस इतना बात करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने मार्केट को टेक्निकली देखा है, ठीक है, और उसके बाद ट्रेड अपॉर्चुनिटी को यूज किया है, तो आप समझ सकते हो कि उसने किस तरह का प्रॉफिट बनाया है न्यू पोजीशन लेके। और जिनका पुराना पोजीशन था वो धीरे धीरे अपना पुराना पोजीशन को गेन कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने शॉर्ट किया था, चलो ठीक है, चलो शॉर्टिंग टेक्निक का टाइम चला गया था, लेकिन अगर मैं करेंट लेवल में सिर्फ बाइंग और सेलिंग में बात करूँ, ठीक है, मतलब आप पोजीशन लिए थे, जैसे मानो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 28 फरवरी या फिर 28 फरवरी क्यों, आप मोटा मोटी फरवरी के एंड पे 10-15 दिन पहले, आज 8 तारीख है, ठीक है, मोटा मोटी अगर आपने 24-25 में अदानी में पोजीशन लिया था, तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ता हुआ सर, हेलो, क्या 2 वीक्स हुआ है? अरे बोलो ना, हो गया ना 2 वीक्स। है तो 2 हफ्ता में अदानी का जो स्टॉक में जो ग्रोथ आया है, अब ये कैसे पता करोगे आप?
इसमें देखो कैंडल स्टिक्स भी आपको बता रहा था कि अदानी में तो कुछ तो होने वाला है। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोला था कैंडल स्टिक्स बात करता है। अब डिपेंड करता है आप सुन सुन सकते कि नहीं सुन सकते, ये निर्भर करता है कि आपके अंदर कितना डेप्थ है। ठीक है, कैंडल स्टिक्स बात करता है सर। ठीक है, ये देखो बार बार बात किया है, बार बार बात कर रहा है ऐसे। ये क्या कैंडल है सर? ये दोजी है। ये क्या है सर? स्पिनिंग टॉप है। ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर सर। ये इससे क्या पता चला सर? इससे ये पता चला मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड रहा है। इसके बाद जब मार्केट के आपके सामने दोजी फॉर्म हो रहा है, मतलब कुछ तो होने वाला है, मतलब कुछ तो होने वाला है। और ये कुछ तो होने होने वाला है कॉन्सेप्ट में, अल्टीमेटली ये अपना पोजिशन वापस लिया है। और इसमें जिन्होंने भी मोटा मोटी 1200-1300 में भी अगर किसी ने बाई किया है, चलो 1200 छोड़ो, 1500 में ले लो, 1500 में ले लो आप। 1200 चलो थोड़ा रिस्की है क्योंकि मार्केट में अदानी के बारे में बहुत बात चल रहा था, थोड़ा रिस्की है। तो फिर भी अगर 1500 में भी किसी ने पोजिशन लिया है, उसका भी 2 हफ्ता में एक मार्केट स्ट्रक्चर में काफी अच्छा गेन किया है, इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। ऐसा नॉट जस्ट ये अदानी के केस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इससे पहले पेटीएम में भी बोला था। पेटीएम में भी ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ अप एंड डाउन रहा था, इसमें भी ट्रेडर ने अच्छा कमाया। अब ये देखने लायक मैटर है कि आप ये सब चीज को कितने गहराई से समझते हो। और भी स्टॉक है, और भी स्टॉक है। सारा स्टॉक लेके बैठ जाए तो फिर एक एक स्टॉक का ही बात हो जाएगा। होगा सर, स्टॉक का भी बात करेंगे एक एक करते करते। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता कि आप कैसा ट्रेडर हो, आपका कैरेक्टर कैसा है। आपका कैरेक्टर मतलब लाइफ का कैरेक्टर नहीं रे बाबा, मेंटेलिटी, मार्केट के प्रति आपका मेंटेलिटी। ठीक है, कि आपका सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मंथली, वीकली, वीकली में आप 52 कैंडल पर ईयर देखोगे। ठीक है, वीकली कैंडल में आप 52 कैंडल रेडी कर सकते हो। आप देखने के लिए जितना जरूरी है उतना देख लो। डेली या फिर डेली का जो मार्केट ट्रेडिंग होता है, ठीक है, तो इसमें 1 कैंडल पर डे, मतलब 252 कैंडल फॉर द एंटायर ईयर। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। 12 कैंडल्स पर डे कब होता है? जब इंट्राडे 30 मिनट्स कोई देखता है तो डेली 12 कैंडल, और 25 कैंडल्स पर डे जब कोई 15 मिनट का कैंडल देखता है, और अगर कोई 5 मिनट का कैंडल चेक करता है तो 75 कैंडल पर डे वो चेक कर सकता है मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चला था कि आखिर कैंडलस्टिक किस तरह से डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर बेस करके ट्रेडर को टेक्निकल में हेल्प करता है। एग्जाम में सवाल भी करते हैं सर, टेक्निकल के एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी करते हैं कि एज पर दी ट्रेडर पर्सपेक्टिव, मंथली, वीकली, डेली। ठीक है, तो ऐसे केसेस में किस तरह से उनका कैंडल स्टिक्स होता है और कितना देखना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन था जो मैंने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था, है ना सर? ओके, आगे बढ़े सर। ओके चलो सर, बढ़ते चलो। अब चलो कैंडल स्टिक्स में बात करते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड विद कैंडल स्टिक्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स में मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स सर। दो तरह का कैंडल स्टिक कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है आपका मल्टीपल कैंडल्स और एक होता है आपका सिंगल कैंडल। ठीक है, अब सिंगल मतलब इंडिविजुअली एक कैंडल को देखना, और मल्टीपल कैंडल स्टिक का मतलब होता है एक साथ दो या तीन कैंडल को देखना। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ सर ऐसा भी होता है कि एक साथ आप दो तीन कैंडल को भी देख के मार्केट को पहचान सकते हो। ठीक है, एक साथ दो तीन कैंडल को देख के, जैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चलो मुझे मिला है तो मैं दिखाता हूँ। देखते रहो तो हमेशा आपको आइडेंटिफाइड कैंडल मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट बीच बीच में आपको मिलता रहता है। इसको क्या बोलेंगे दादा, इस कैंडल का क्या नाम है? ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना है क्या नाम दो इसका? हाँ जानी ना सर। सर, इसको हम लोग हरामी बोल सकते हैं। हरामी मतलब हिंदी वाला हरामी नहीं, ये जापनीज वाला हरामी। जापनीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट डोमेन। ठीक है, जैसे एक माँ के गर्भवती महिला के शरीर में जैसे बच्चा रखते हैं ना, इट्स लाइक दैट। एक बड़ा कैंडल के सामने एक छोटा कैंडल। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहा है ये आपसे, मैं आपको आगे हरामी और दिखाऊंगा। बहुत सारे कैंडल्स हैं जो एक साथ दो देखना पड़ता है।
एक साथ तीन देखना पड़ता है। ठीक है, मैं आगे आगे दिखाऊंगा। ऐसे देखो, मैं तो देख के समझ रहा हूं, अगर किसी को उतना डेप्थ नहीं है तो वो देख के शायद नहीं समझ पाएगा कि अच्छा इसके अंदर भी कुछ बातें हैं। है सर बातें, ठीक है। कभी हैमर फॉर्म होता है तो कभी अम्ब्रेला फॉर्म होता है, ठीक है। तो कहाँ फॉर्म होता है ये जरूरी है। ऐसे देखते देखते, जैसे मानो ये यहाँ पर एक हल्का सा हैमर है, ठीक है, ये भी एक हल्का सा हैमर है, लेकिन हैमर कहाँ बनता है? ये हैमर जैसा लग रहा है ना सर, एकदम हैमर ही है। तो कहाँ हैमर फॉर्म हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हैमर का पोजीशन क्या है, किस पॉइंट में हैमर बन रहा है, ये सब जरूरी है। तो सिंगल कैंडल, मल्टीपल कैंडल, पूरा मार्केट कैंडल पे टिका हुआ है। अब जो देखो सर, जो फ्यूचर में ट्रेड करेगा, सिंपल बात है, कोई बोलते हैं कि हमें फ्यूचर ऑप्शन सीख लेने दो, हमें टेक्निकल का अपना जरूरत नहीं है, वो बोका बन जाएगा, बोका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेने जाओगे, एग्जाम्पल के तौर पे, चलो अदानी आप अप्रैल फ्यूचर में देखते हैं। हाँ अदानी अप्रैल फ्यूचर, चलो चार्ट में चलते हैं, क्योंकि हम लोग उधर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्यूचर में बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर फ्यूचर का चार्ट बन गया। ओके, अब फ्यूचर चार्ट जैसे मैंने आपके सामने रखा, ये नॉर्मल प्रेजेंट मार्केट को बेसिकली क्या किया, कॉपी करेगा, ये तो पता ही है आप लोगों को। प्रेजेंट मार्केट को मिमिक्री करके फ्यूचर मार्केट बनता है। मैं फ्यूचर में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट इतना कहना चाहता हूं कि कैंडल यहां पर भी हुआ, मतलब जो फ्यूचर मार्केट में ट्रेड लेना चाहेगा, पोजीशन लेना चाहेगा, क्या उसको भी कैंडल स्टिक्स या टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए? अरे हाँ बिल्कुल, बिना टेक्निकल एनालिसिस का आप कैसे फ्यूचर मार्केट को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओ। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज आपको पूरा, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप डे टू डे ट्रेड करो, चाहे आप आज खरीदो कल बेचो, डजेंट मैटर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर करो ऑप्शंस करो, आपको हर केस में ऑप्शंस का, देखेंगे ऑप्शंस का लाइन लग जाएगा, ऑप्शंस का टेक्निकल मतलब चार्ट का लाइन लग जाएगा। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अदानी एंटरप्राइज, ये देखो अलग अलग प्राइस रेट है, मार्च में 800 समथिंग, ठीक है, ये बहुत पूरा मतलब नीचे का है, थोड़ा सा आसपास का रेंज का चलते हैं। ये देखो सर 1060 सी, ये सब सी ई मतलब कॉल ऑप्शंस है, ठीक है, पीई दिखे तो पुट ऑप्शंस होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो इसका भी चार्ट आपको मिलेगा, ये बहुत एक्चुअली ये सी अदानी 2000, तो ये कितना चल रहा है अदानी का रिसेंट पार्ट, अदानी 2050, चलो ये रिसेंट देखते हैं इसमें आपको, ये देखो चार्ट में ये ऑप्शंस है, क्योंकि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना, ये मंथली वीकली कॉन्ट्रैक्ट में होता है, तो इसका चार्ट पैटर्न आपको इसलिए छोटा छोटा दिखेगा, मतलब ज्यादा ज्यादा इसका हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता है, क्योंकि एवरी वीक में एवरी मंथ में इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए ये आपका इस तरह का नजर आएगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो 219 वगैरह, ये सब प्रीमियम वैल्यू है, ये सब प्रीमियम वैल्यू है, स्टॉक का प्राइस नहीं। आगे बात करेंगे जब ऑप्शंस बात करेंगे, क्योंकि वहां पर प्रीमियम में खेला होता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस नाउ, चर्चा जब ओके, ये 2050 देख रहे हो ना, ये इसका प्राइस है, मतलब तो स्ट्राइक बोलते हैं इसको, ठीक है। आई विल डिस्कस इन ऑप्शंस और प्रीमियम कैसे खेलता है वो भी बताएंगे सर, लेकिन फिलहाल मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि आप इधर भी देखो, इधर भी देखो, चार्ट पैटर्न के बिना आप देख नहीं सकते, टेक्निकल एनालिसिस या कैंडलस्टिक के बिना आपका आप अंधा हो जाएंगे, मार्केट में आप कुछ समझ नहीं पाओगे। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस जानना इतना जरूरी है, चाहे आप फ्यूचर में खेलो, ऑप्शंस में खेलो, डे टू डे मार्केट में ट्रेड करो, डजेंट मैटर सर। ओके चलो सर, समझ रहे हैं आपका कहना, समझ रहे हैं, मतलब मैं खुद ही बता रहा हूँ सर, ठीक है, चलो आगे बताओ। यस, चलो मार्केट में एक बहुत बड़ा एजम्पशन है सर, मार्केट में एक बहुत बड़ा एजम्पशन है, बार बार बोलता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये सब छोटा छोटा बात ना इग्नोर ना करे, ठीक है, अपने आप को मार्केट में एस्टाब्लिश करना हो तो ये सब बात को इग्नोर ना करे। अगर अपने आप को बड़ा करना है, मतलब एक टॉप लेवल में जाना है, कोई बोलेगा नहीं हमको उतना बड़ा नहीं होना है, जस्ट एक छोटा सा मार्केट में कुछ भी जॉब मिल जाए, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर आप अपने आप को एक टॉप लेवल एडवाइजर पोस्ट में देखना चाहते हो तो आपको हार्डकोर नॉलेज चाहिए,
ठीक है, जैसे एक चार्टर्ड को होते हैं, जैसे एक सीएफए को होते हैं, आप भी सिमिलर काइंड में डेवलप कर सकते हैं। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, द बिग अजम्पशंस, ये मार्केट का एक बहुत बड़ा अजम्पशंस है। एज मेंशनड अर्लियर, वन ऑफ द की अजम्पशन इज टेक्निकल एनालिसिस इज दैट वी रिलाई ऑन द फैक्ट दैट हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। दिस प्रोबेबली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन इन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल का एक सबसे बड़ा एनालिसिस माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि इतिहास अपने आप को क्या करता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, मतलब जो पहले हुआ है वो बाद में फिर से होने वाला है या होता है, मतलब सिमिलर चीजें देखने को मिलता है। अब ये सिमिलर चीजें मतलब क्या, कि पर्टिकुलर स्टॉक में ऐसा होता है, हर स्टॉक का अपना अपना कैरेक्टर होता है, हर कैंडलस्टिक का अपना अपना, मतलब ईच एंड एवरी इंडेक्स का अपना अपना कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर के तहत वो बिहेव भी करता है। सर कैसे लगेगा पता, वो तो समय के साथ आप सीखने से समझ में आएगा। इट वुड मेक सेंस टू एक्सप्लोर दिस अजम्पशन इन ग्रेटर डिटेल्स, अच्छे से समझो। जैसे ये हिस्टोरिकल डेटा से ही आपको बताता हूँ, क्योंकि इतिहास से ही सीखने को मिलता है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2014 का डेटा है मेरे पास नोट्स में, और यहाँ पर जो आपके साथ मैं अभी बात कर रहा हूँ ये 2023 का डेटा आपके सामने भी रखा गया है। ठीक है, सो 2022-23 का भी डेटा चेक करेंगे, और साथ में पुराना टाइम में क्या हुआ था वो भी देखते रहेंगे। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि मार्केट में ग्रोथ कैसे हुआ है, कितना समय लगा है, टेक्निकल ट्रेंड में कितना बदलाव हुआ है, हमें सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी नजर आएगा। ठीक है, तो बने रहो, एक एक करके देखते रहते हैं सर। निफ्टी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि निफ्टी से ट्रेंड ज्यादा अच्छा समझ आता है मार्केट का। ओपन था, देखो सर ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर एक पुराना डेटा है 7 जुलाई 2014 का, क्या बता रहा है? फैक्टर वन, द स्टॉक हैज बीन फॉलिंग फॉर द लास्ट 4 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशंस। क्या हुआ था ध्यान से देखो, पर्टिकुलर एक स्टॉक 2014 में लगातार 4 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशंस में गिरता गया। अच्छा, ये सेशन जो है ये डिपेंड करता है आप कैसा ट्रेडर हो। मैं बार बार आपको बताया कि आप मंथली ट्रेडर हो, आप वीकली ट्रेडर हो, आप डे टू डे ट्रेडर हो, तो आपके लिए सेशंस भी अलग अलग होगा। तो अगर मैं यहाँ पर डे को ही मान के चलो, तो लगातार 4 दिन किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लगातार क्या हुआ गया सर, फॉल हुआ। फैक्टर टू, ये जिस दिन का हिसाब है 7 जुलाई 5th सेशन है, एंड स्टॉक इज फॉलिंग ऑन रिलेटिवली लोअर वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, 7 जुलाई को मतलब लगातार पिछले 4 दिन स्टॉक गिरता गया, और फिर 5वां दिन में वॉल्यूम उसका कम हो गया गिरने का, मतलब बाइंग सेलिंग का जो रेंज है वो कंपेरेटिवली लो हो गया। फैक्टर थ्री, द रेंज इन विच स्टॉक ट्रेड टूडे इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू लास्ट 4 डेज, मतलब लास्ट 4 दिन में स्टॉक में जिस तरह का ट्रेड देखने को मिला है उससे काफी कम ट्रेड 4th डे को देखने को मिला है। विद रेफरेंस दीज फैक्टर्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, ये जो तीन चार फैक्टर मैं आपके साथ बात किया, लेट अस अज्यूम दैट ऑन द नेक्स्ट डे 8 जुलाई द फॉल इन स्टॉक गेट्स अरेस्टेड, मतलब स्टॉक का जो गिरना था वो अरेस्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब काफी बंद हो जाएगा, एंड इन फैक्ट स्टॉक रैलीज टुवर्ड्स ए पॉजिटिव क्लोज। और ऐसा होने का चांसेस है कि स्टॉक लगातार गिर रहा था, लगातार स्टॉक में हमें डाउनग्रेडेशन दिख रहा था, लगातार 3 4 5वां दिन से स्टॉक में एक लोअर वॉल्यूम नजर आया, और उसके बाद स्टॉक रिवर्स गियर में जाना चालू कर दिया। सो एज एन आउटकम ऑफ 3 फैक्टर्स द स्टॉक वेंट डाउन सिग्निफिकेंटली। 3 फैक्टर के कारण, ध्यान से बात को समझे सर, 3 फैक्टर बहुत इजी फैक्टर है, बट ये 3 फैक्टर अल्टीमेटली 6th डे में स्टॉक को रिवर्स गियर में डाउन कर दिया, मतलब बुलिश मार्केट को, बियरिश मार्केट को, जब मार्केट गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बियरिश बोलते हैं, बियरिश मार्केट को बुलिश में कन्वर्ट किया। अब इसके पीछे क्या क्या कहानी है, पहला तो 3 सिंपल फैक्टर काम किया, पहला तो 3 सिंपल फैक्टर काम किया कि लगातार 4 सेशन में स्टॉक का गिरना, फिर 5वां सेशन में मतलब फैक्टर टू 5th डे में स्टॉक का वॉल्यूम कम हो जाना, एंड फैक्टर थ्री स्टॉक मतलब कंपेयर टू लास्ट 4 डेज द रेंज, जिस रेंज में स्टॉक में ट्रेड हुआ है वो भी बड़ा लो रहा। तो इसके कारण 8 जुलाई को, मतलब 7 जुलाई के बाद जब 8 जुलाई को मार्केट में स्टॉक फिर से स्टार्ट हुआ, तो वो रैली करना स्टार्ट किया रिवर्स में, मतलब बियरिश से बुलिश। अब इसी तरह से मार्केट में ये चीज होता रहता है सर, मार्केट को समझना है तो मार्केट की तरह समझो, भले ही कितना भी सिंपल लगे, कितना भी कॉम्प्लेक्स लगे, बट
पर समझना तो पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ, इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बस मार्केट की तरफ से सोचना। टाइम पासेस, समय बीतता जाता है। लेट्स से आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द सेम सेट ऑफ फैक्टर्स ऑब्जर्व, जैसा 7 जुलाई 8 जुलाई को देखने को मिला, सिमिलर चीज 1 महीना 2 महीना बाद भी आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली स्टॉक में 5 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशंस आएगा, सिमिलरली 6th डे में आपको सिमिलर चीज नजर आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, हाउएवर वी नीड टू मेक एन एडेंडम टू दिस अजम्पशंस व्हेन अ सेट ऑफ फैक्टर्स दैट हैज पैनड आउट इन पास्ट टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो पहले हुआ है जब वो बाद में अपने आप को फिर से दोहराता है, वी एक्सपेक्ट द सेम आउटकम टू ऑकर एज यू ऑब्जर्व इट इन द पास्ट प्रोवाइडेड द फैक्टर्स आर द सेम, क्योंकि ऐसा चीजें हमने पहले भी देखा और साथ में फैक्टर भी मैच कर गया। जो हमने पहले देखा वो अगर बाद में भी मैच हो जाता है तो हम उससे में ट्रेड ले सकते हैं। सर आप लोग नॉर्वे स्टार समझते हो? एक छोटा सा ऑफबीट बात कर दिया मैंने, स्टॉक का बात नहीं किया मैंने, मैंने एक अलग बात कर दिया। आप लोग नॉर्वे स्टार समझते हो, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं काल बुई सके। हाँ, अरे है ना सर, आप बोलोगे सर आपका माथा खराब क्या हो गया, स्टॉक बोलते बोलते नॉर्वेस्टर में चले गए। सर ये जब कालबोई सा के आते हैं, कालबोई सा के जैसे अभी टाइम आ रहा है ना कालबोई सा के का, ये जो मार्च एंड होगा ऑलमोस्ट, मार्च के एंड से आपको कालबोई सा की नजर आएगा। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ने दो, आप कालबोई सा की देख लोगे। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा चीज कहना चाहता कि जब कालबोई सा की होता है स्पेशली ड्यूरिंग समर टाइम इन स्पेशली इन वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है पूरा भारत में नहीं होता है, सबका अलग अलग नेचर है। तो वेस्ट बंगाल में ये बहुत ज्यादा, मतलब बांग्ला में, मतलब बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है और हमारे यहाँ पर भी। सो ये बंगाल रीजन में नॉर्वेस्टर का बहुत पुराना हिस्ट्री है। अब मैं ज्यादा इसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप बोलोगे जियोग्राफी क्लास हो जाएगा, तो मेरे को जियोग्राफी नहीं पढ़ाना है करेंट, ऐसे जियोग्राफी यहाँ पर दिखा दिया सर। ये देखो गर्म हवा झारखंड से आता है, समुन्दर का हवा इधर से जाता है, तो क्लैश करके होता है। तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर आप सिमिलर थिंग, मानो 15 डेज पहले एक नॉर्वेस्टर आया, नॉर्मली 10 12 15 नॉर्वेस्टर गर्मी के टाइम पे आता है ना, तो ये जिस तरह का घना बादल, ये जिस तरह का घना बादल, ये बारिश का मौसम नहीं, दिस इज नॉट अ मानसून, दिस इज नॉट अ मानसून। ये भी बारिश है लेकिन ये मानसून वाला बारिश नहीं है। तो नॉर्वेस्टर का जो कैरेक्टर अगर आप एक बार देख लेते हो, फिर 14 डेज बाद सिमिलर कैरेक्टर फॉर्म होता है, तो आपको एक ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाता है ना कि फिर से बारिश होगा, फिर से तूफान आएगा। हाँ सर, मतलब फिर से वही जोर से हवा चलेगा। यस और नो प्लीज टेल मी, मतलब अगर ऐसा एक्टिविटी आप मानो मार्च के 20 तारीख में आपने देखा, फिर अप्रैल के 5 तारीख में सिमिलर थिंग आपको फिर से देखने को मिला है, तो एक ऑटोमेटिक आपके मन में क्या चलता है कि आज फिर से झड़, मतलब तूफान आएगा, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना झौड़, ठीक है फिर से झौड़ आएगा। तो ये जो बातें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर ऑटोमेटिक फिट हो जाते हैं, कैसे? बिकॉज उनको पता है कि उसका टेक्निकलिटीज क्या है, और वहां पर भी वो सेम अजम्पशन लगाते हैं, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। तो एक पर्टिकुलर मंथ में किसी स्टॉक में अगर किसी भी तरह का कारण से अगर वो सिंपल वॉल्यूम में अप डाउन रहा है, सिमिलर एक्टिविटी 1 मंथ 2 मंथ लेटर भी उसमें देखने को मिलता है, तो स्टॉक में भी सिमिलर एक्टिविटी नजर आता है। सर ऐसा हुआ है क्या? सर कोई भी एक सिंपल स्टॉक ले लो जिसमें ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह नहीं है, मतलब मैं करेंट अदानी में जैसे रहा है, मैं अदानी को थोड़ा सा छोड़ के कोई नॉर्मल स्टॉक लेता हूँ, किसे लिया जाए? बार बार आईटीसी ले सकते हैं, आईटीसी में ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता। पॉपुलर स्टॉक इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग नाम को कनेक्ट कर पाओ। लुक एट सर, आप थोड़ा रेंज को देखें ना, कभी कभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट मिला है, ये देखो आईटीसी एक लगातार एक रेंज में चल रहा था। हेलो, आप देखो जरा आईटीसी लास्ट कुछ महीनों से एक रेंज में चल रहा था, वो रेंज को तोड़ नहीं रहा था। एक बार यहाँ पर कोशिश किया था 350 का रेंज को तोड़ने का, लेकिन आप देखो 350 गया, फिर नीचे आया 325, ठीक है फिर थोड़ा सा गया, फिर से थोड़ा सा कुछ देर तक अपने आप को रोका, वापस थोड़ा सा एक ब्रेकआउट हुआ था लेकिन वापस नीचे आ गया। मे बी निफ्टी का फैक्टर काम कर गया हो, कोई भी ग्लोबल पैरामीटर के कारण पूरा मार्केट नीचे गिरा है, तो आईटीसी भी कौन सा
खेत की मूली है, वो भी निफ्टी का पार्ट है, तो वो भी गिर जाते हैं, है ना। तो ऐसे अच्छा वेटेज है आईटीसी का, ऑलवेज निफ्टी में इंडेक्स में आईटीसी का वेटेज अच्छा रहता है नॉर्मली। आज आईटीसी चल रहा है 390 में, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार इसका ट्रेंड देखो, एक बार गिरा एक बार उठा एक बार गिरा, लेकिन ओवरऑल 325 से 350 के रेंज में ये चला है, ये चल रहा हूं, इतना मुझे बताओ आप। हाँ यान, 325 to 350 के रेंज में सितंबर टू फरवरी, मतलब ऑलमोस्ट 6 months का टाइम पीरियड सिमिलर रेंज में अप एंड डाउन किया, ये आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो। इरे ऑब्जर्वेशन सोचे सर, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इससे और भी अगर आप और भी रिसर्च करोगे ना, आपको सिमिलर काइंड ऑफ और नजर आएगा, ठीक है। मैं जस्ट एक रैंडमली पिक किया, ठीक है। तो रैंडम पिक करके मैं आपको जस्ट बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आईटीसी यहाँ पर अपने आप को इसी रेंज के अंदर, 325 to 350 रेंज के अंदर, इसमें सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, बहुत कुछ होता है, ठीक है। ऐसे मोटा मोटी इस जोन को आप सपोर्ट बोल सकते हो, इसे आप रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हो, ठीक है, कि इतना ही रेजिस्ट कर पा रहा था। लेकिन अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को छोड़ के यहाँ पर देखो आईटीसी को ब्रेकआउट मिल गया फेब्रुअरी में। अच्छा, अचानक से ब्रेकआउट क्यों मिला? इसके पीछे अलग फंडा है जो फंडामेंटल लेवल में आईटीसी को हेल्प किया इस पर्टिकुलर ग्रोथ में। काफी दिनों से आईटीसी बड़ा ही साइडवेज में जा रहा था, लेकिन अचानक आईटीसी में एक ब्रेकआउट मिला और आईटीसी के स्टॉक में काफी कॉन्फिडेंस आया, वॉल्यूम बढ़ा और फिर से स्टॉक वैसे ही चल रहा है। लेकिन उसके बाद फिर से अगर आप देखो रिसेंटली, अगर एकदम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में देखो, एकदम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब अगर सिर्फ फेब्रुअरी टू मार्च 1 month का देखोगे, तो देखो एक रेंज में घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, देखो बार बार। ये शॉर्ट फ्रेम में देखो आप, थोड़ा लॉन्ग फ्रेम में भी आपने देखा ये ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, 350 में ब्रेकआउट देने के बाद ऐसा हुआ है। अच्छा, ट्रेड किस में अच्छा होता है सर? डे टू डे ट्रेडिंग या फिर वीकली ट्रेडिंग या फिर 3 दिन दो, मतलब बीटीएसटी ट्रेडिंग, बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो टाइप्स, ठीक है, वो ऑलवेज ना रेंज में अच्छा होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सिचुएशंस में नहीं। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप एक मार्केट ट्रेंड को समझ जाते हो कि एक रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है, तो ऐसा रेंज में ट्रेडिंग सबसे बेहतर होता है। मतलब आप ट्रेडिंग ट्रेंड को ना बड़ा इजीली एनालिसिस कर सकते हो। ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट मेरे एक्सपीरियंस में रिलायंस में चला था, मैं दिखाता हूँ। रिलायंस में एक रेगुलर बेसिस में ट्रेड लेने का बड़ा मौका मिला था, अभी नहीं सर, थोड़ा पुराना डेटा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब रिलायंस में ना, मतलब काफी दिनों तक रिलायंस में कोई बड़ा चीज नजर नहीं आया था। इवन रिसेंटली भी रिलायंस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही घूम रहा है, ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है उसको, रिलायंस को ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, एक ही रेंज के अंदर बार बार घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। मतलब 2600 मैक्सिमम उसका रेजिस्टेंस बना है सर, कभी कभी 27 देखने को मिल रहा है, बट वो उतना नहीं। लेकिन एक टाइम पीरियड था, ये देखो सर 2016, आप देख सकते हो 2016, 2015-16 का जो रेंज है, जस्ट लुक एट दिस रेंज, पूरा लगातार 2 साल, जस्ट लुक एट दिस रेंज, एक ही जगह में रिलायंस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है फिर गिर रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है फिर गिर रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है फिर गिर रहा है, मतलब छोटा छोटा रेंज में। ये ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसको मार्केट में, उसके इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ऐसा कोई रिलायंस का एक्टिविटी नहीं बन रहा था जो रिलायंस को एक ब्रेकआउट दे, लेकिन फिर रिलायंस को ब्रेकआउट मिला यहाँ पर आके, देखो। अच्छा, ये सब में और भी चीजें हैं, एलियट वेव वगैरह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एलियट वेव है, डाओ का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे बढ़ गया सर, सब बताएंगे, थोड़ा समय लगेगा डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको इतना कहना चाहता कि आप मार्केट में अगर एज ए ट्रेडर अपने आप को बना के रखना चाहते हो, तो ट्रेंड एनालिसिस करते हुए चलो, आपको एज ए ट्रेडर बहुत हेल्प मिलेगा। और ब्रेकआउट अगर मिले तो फिर वो उसको पोजिशनल ट्रेड ले लो। अगर आप ब्रेकआउट में जाना चाहते हो, कि अगर आपको लग रहा है तो इसमें थोड़ा ब्रेकआउट कब देगा नहीं देगा, इसमें फंडामेंटल के साथ टेक्निकल मैच करना पड़ता है, फंडामेंटल के साथ टेक्निकल को मैच करना पड़ता है, क्योंकि एक स्टॉक अचानक से ब्रेकआउट नहीं देता है, उसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन नहीं होता है कि अचानक से एक स्टॉक में बहुत ज्यादा आपको बाई देखने को मिले, बहुत ज्यादा आपको वॉल्यूम देखने को मिले, ये अचानक नहीं होता है, इसके पीछे इकोनॉमिक पैरामीटर होता है, इसके पीछे सिक्योरिटी
फाइनेंशियल पैरामीटर होते हैं, गवर्नमेंट बजट, फाइनेंशियल एवरीथिंग, बहुत सारे चीज होते हैं, तब जाके एक स्टॉक में आपको अचानक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ये भी आगे आगे बात करेंगे सर आपसे, ठीक है। अब आगे देखो, चलो अब कैंडलस्टिक्स में पैटर्न एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, यही मैं बताने का कोशिश कर रहा था। पैटर्न एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, पैटर्न या पैटर्न से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द कैंडल स्टिक्स आर यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग पैटर्न। कैंडल स्टिक इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम ट्रेडिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए। पैटर्न्स इन टर्न इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट टीवी में बकते रहते हैं फिर भी वो भी गलत हो जाते हैं, जो ऑलरेडी किसी ना किसी स्टॉक मतलब कंपनी में आप अगर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, हाँ फिर आपका एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए लोग, उनका एनालिसिस भी फेलियर हो जाते हैं सर। तो फिर सर सभी इंडिविजुअल्स हैं, जरूरी नहीं कि वो जो जाने वही सब सब कुछ है। आप एज एन इंडिविजुअल क्या सोचते हो वो भी मायने रखता है, मार्केट है बॉस। कोई आपसे आगे थोड़ा निकला हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्व ज्ञानी है, आप भी उनके जगह पे पहुंच सकते हो। डिपेंड करते हैं कि आप कितने शिद्दत के साथ सीखने का कोशिश करो। अगर मन में हड़बड़ी है तो सीखना बहुत खराब होगा, मतलब ऐसे बहुत मैं देखता हूँ स्टूडेंट के मन में अगर चंचलता है, ठीक है, मतलब कब कंप्लीट होगा कब कंप्लीट होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट अगर है ना तो फिर आप मानो कि आपका सीखना आधा अधूरा है, गारंटी है। और अगर सीखने के टाइम पे मन शांत है तो आगे जाके आप देखना कि आपका एनालिसिस और ऑफिस में जब आप काम करोगे या खुद के लिए भी, आप देखिएगा आपकी डेवलपमेंट किस तरह से होता है, और आप जिस जो जो भी फील्ड को चूज करके आगे निकलोगे आप देखना आप कहाँ से कहाँ पहुंचते हो सर। समय बताएगा, यस समय बताएगा। कैंडलस्टिक्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स इन टर्न हेल्प टेक्निकल एनालिस्ट टू सेट अप अ ट्रेड। पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग टू और मोर कैंडल्स इन अ सर्टेन सीक्वेंस। दो या दो से ज्यादा कैंडल को एक सीक्वेंस में डाल के हमें पैटर्न मिलता है। समटाइम्स पावरफुल ट्रेडिंग सिग्नल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। यस, एक सिंगल कैंडल से भी आप मार्केट को समझ सकते हो। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही आंसर, अगर आप देखो मैं बोलते बोलते बहुत सारा बार कह के निकल जाता हूँ, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो शायद समझ गया होगा, अगर नहीं ऑब्जर्व किया है कोई बात नहीं, समय के साथ साथ ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ तो आप भी समझ जाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अदानी एंटरप्राइज पे स्टार्टिंग में बात कर रहा था, है ना सर, और मैं आपको बता रहा था कि अदानी में ये जो टेक्निकल कैंडल है, ये छोटा सा कैंडल, ये छोटी सी कैंडल बहुत कुछ बता रहा था, बार बार आ रहा था। सर क्या करना चाहिए, ऐसे कैंडल देखने में खरीद लेना चाहिए क्या अगर डाउन ट्रेंड में है तो? नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसे कैंडल आने पे मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व ऑब्जर्व मतलब जैसे एक फुटबॉलर जब फुटबॉल में किक मारते हैं तो वो फुटबॉल में किक मारने से पहले वो क्या करते हैं, पोजीशन लेते हैं ना। कभी फ्री किक मारना तो देखे होंगे, मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल बड़ा देता हूँ, आज थोड़ा फुटबॉल दे दिया। फ्री किक मारने से पहले भी ना एक फुटबॉलर बॉल बॉल को पैर में लगाने से पहले ना, मतलब तो वो जो थोड़ा सा स्पीड लेके जो बॉल को किक मारते हैं, किक मारने वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किक मारने का पहला सिचुएशन फुटबॉल में बहुत जल्दी हो जाता है। बैट्समैन में भी एक क्रिकेट क्रिकेट में एक बैट्समैन या बॉलर बॉल करना नहीं, बॉल करने से पहले का पोजिशन, मतलब जैसे एक बॉलर बॉल को हाथ में लेता है तो बॉल को ग्रिप कैसे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बॉल के जो धागे होते हैं ना उसमें जो सूत्री होते हैं, देखे होंगे आप लोग उसको सिलाई बोलते हैं, तो उसके किधर आपका हाथ है, उंगली किधर है, उस पर डिपेंड करते हैं आपका बॉल गिरने के बाद क्या एक्टिविटी करेगा। ये जो छोटा छोटा ट्रेड मतलब कैंडल्स है ना, ये आपको मार्केट में पोजीशन लेना बताते हैं, स्टांस लेना बोलते हैं क्रिकेट की भाषा में इसको, बोलते हैं स्टांस लेना, मतलब अभी अगला बॉल में डिफेंस करे कि छक्का मारे, ठीक है। तो ऑब्जर्व करते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ, और यही ऑब्जर्वेशन देखो अल्टीमेटली आपने देखा कि दोजी फॉर्म होने के बाद अदानी में लगातार मैं देखता रहा लास्ट कुछ दिनों से, तभी मैं क्लास में चिल्लाता रहा, ठीक है, कि जितना गिरना है गिरने दो, बट मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक करेगा, मैं बार बार बोला, बड़े बड़े एनालिस्ट ने बोला कि अदानी को लेके बात नहीं करना चाहिए, मैंने देखा, लेकिन लेकिन मेरा भरोसा था कि ये थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर करेगा, थोड़ा समय चाहिए। और ये प्रूव कर रहा है एक काम करके, अपना सारा लोन जो है, जो लॉन्ग टर्म पे पेमेंट था वो उसको शॉर्ट टर्म पेमेंट करके निकाल रहे हैं।
हाँ, आप बोलोगे सर इसका इफेक्ट तो बिजनेस में पड़ेगा कि अगर उसका लॉन्ग टर्म लोन है तो उसको वो इतना जल्दी जल्दी रीपे कर रहा है, इफेक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा। लेकिन एक कॉन्फिडेंस वो अपने इन्वेस्टर के ऊपर देना चाहता है कि भाई आप गलत जगह में इन्वेस्ट नहीं किए, हमारे पास पैसा है, हमारे पास फंडामेंटली हम स्ट्रांग हैं, तभी हम अपना लोन को रीपे। आज ही आज का ही सुबह का न्यूज देख रहा था, 7,500 करोड़ कुछ रीपेमेंट था, उसको भी पे कर दिया, जो अभी भी टाइम नहीं हुआ। तो बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि भाई मैं फंडामेंटली स्ट्रांग हूँ, किसी के कहने पे, किसी के आजकल तो अभी एनालिस्ट क्या बात कर रहे हैं जानते हो, हिंडनबर्ग का, हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद अदानी को बोलते हैं कि अदानी का पुआ बारो हो गया। पुआ बारो मतलब मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं सापे बौर हुआ। सापे बौर मतलब अगर आपको अभिशाप मिलता है तो अभिशाप कभी कभी आशीर्वाद में बदल जाते हैं। तो कोई कोई ऐसे एनालिस्ट कह रहा है कि मतलब जब देख रहा है कि अदानी फिर से बाउंस बैक कर रहा है, तब बोल रहे हैं कि अदानी के लिए ये तो अभिशाप आशीर्वाद में बदल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अदानी का स्टॉक में जो डाउनग्रेडेशन दिख रहा था, अदानी लोन भी रीपे नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था बाद में करेगा बाद में करेगा, क्योंकि टाइम है उसके पास। लेकिन अदानी अभी क्या सोच रहा है कि ठीक है यार पे कर देते हैं, कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, ठीक है कॉन्फिडेंस ले लेते हैं। तो देयर आर वैराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट, एक तरफा नहीं देखना चाहिए, हर तरह को देखना चाहिए। तो ये कैंडल स्टिक्स ना वो सब फंडामेंटल नेचर के ऊपर डिपेंड करके भी आता है, जो समझना चाहेगा वो समझ जाएगा। यहाँ पर भी आके आपको फिर से और एक बार सोचने का मौका मिला, मतलब पोजीशन, चलो कोई अगर यहाँ पर पोजीशन नहीं लिया 1250 में, मत लो, अच्छा सेकेंड दिन मत लो, ठीक है ट्रेंड आ गया सर, ये ट्रेंड में बदलाव आया है, ठीक है सर ये तो वन डे का ट्रेडिंग पैटर्न है, अगर आप इसी चीज को, मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप देखो इसी को अगर हम डे को चेंज करके आवरली पैटर्न लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ आवर के हिसाब से आपके बोलछी सामने। हाँ बोल। কি আমি যখন দেখছি যে যখন মানে পড়ছে মার্কেটটা তার আগে অনেক সময় মানে পজিশন নিচ্ছে, মানে যখন উঠছে মার্কেটটা তার পজিশন নিচ্ছে, বাট যখন পড়ে তার আগেও কি এরকম পজিশন নেয় নাকি পড়ার সময় यस পড়ে? नहीं यस पोजीशन लेता है, ये तो ये देख लिया कि नहीं लिया ना फिर। हाँ लेकिन हाँ यहाँ पर ये जो अचानक से देख, ज्यादा समय नहीं दिया मार्केट, ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक अलग रीजन था, वो हिंडनबाग का रिसर्च का जो खबर, ठीक है, और हिंडनबाग खुद भी बहुत सारा शॉर्ट सेलिंग की कर दिया मार्केट में, फॉरेन इन्वेस्टर्स है काफी शॉर्ट सेलिंग करके उसने भी मार्केट को घटाया। पहले दिन पहले पहले घंटे में इतना हुआ के बाद लगातार और गिरता गया। तो लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं था, हुआ है लगातार, दो दो कैंडल में तुमको बताया दो बातें सर। जब मार्केट गिरता है तो उसके हाईएस्ट पॉइंट से गिरता है, तो अगर मैं लास्ट चार, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ना, आवरली पैटर्न लिया मैंने, लगातार एक हफ्ता का डेटा देखा तो ये हाईएस्ट पॉइंट में है, और हाईएस्ट पॉइंट में दोजी फॉर्म हो रहा है, मतलब कुछ तो आपको संकेत दे रहा है। उसके बाद एक छोटा सा आपको पेपर अम्ब्रेला जैसे दिख रहा है, ये भी आप आगे आके सीखना पड़ेगा, ये एक एक कैंडल बोलता है, एक एक कैंडल बोलता है। अब इसका भाषा समझ जाओगे ना तो ना मार्केट को समझोगे। अब ऐसा नहीं कि रातों रात गिर गया, मौका देता है सर, अब देखने वाले के नजरिया पे है, वो डेप्थ होना चाहिए तो समझ जाएगा, ठीक है। बढ़ने के टाइम पे भी होता है, गिरने के टाइम पे भी होता है, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके चलो देखते हैं, जैसे आप लोगों ने पूछा, अब चलो एक एक करके कैंडल स्टिक को समझते हैं, ठीक है। पूरे एरिया में काम करना चाहिए, गाड़ी का ऊपर का सौंदर्य कितना भी अच्छा हो, गाड़ी का इंजन अगर अच्छा ना हो ना सर, कितना भी सुंदर देखने में वो ग्लॉसी, हाँ डजेंट मैटर, है ना, ऊपर की खूबसूरती कितना दिन तक, एक बारिश में ढल जाएगा, लेकिन अंदर की खूबसूरती इंजन पे डिपेंड करता है, वैसे ही इंजन ठीक करो। अच्छा मारुबुजु सर ये क्या है? सर मारुबुजु का मतलब होता है टकला सर, आप हाँ सर मेरे जैसे ही टकला, ठीक है। अच्छा बुलिश, अच्छा मतलब किसी के सर पे बिल्कुल बाल ना हो, या फिर किसी के सर पे हल्का हल्का बाल हो, इट्स इक्वल इक्विवेलेंट टू दैट, मतलब हल्का हल्का पतला पतला बाल है सर, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप सर? ऐसा ही है मारुबुजु कैंडल, देखने में कुछ ऐसा ही होता है,
जिसके ऊपर छोटा सा एक पतला सा बाल ऐसे देख सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं विंग, ठीक है, नीचे भी हल्का सा हो सकता है या फिर कुछ नहीं है, मतलब ऐसे तो किताबी जो डेफिनेशन है मारू मौजूदा वैसे ही बता दें कि उसका विग होगा नहीं, बट रियल लाइफ में आपको ऑलवेज एकदम बिना बाल का नहीं दिखेगा रियल लाइफ में, ठीक है, हल्का फुल्का नजर आता है बट बहुत छोटा सा होगा, ठीक है, बहुत छोटा सा होगा, मतलब इतना छोटा जो बहुत माइन्यूटली नजर आता है, मतलब कभी ऐसा मारू मौजूदा नहीं होगा कि जिसका कैंडल का ऊपरी भाग में मतलब जो वीक है, या जिसको शैडो भी बोलते हैं, इसको दो नाम से पुकारा जाता है, या तो वीक भी बोलते हैं या तो शैडो भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे एक मोमबत्ती का जैसा होता है, ठीक है, तो अगर नीचे ऊपर इतना बड़ा बड़ा है तो उसको हम मारू बुझे बोल नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे सर, बहुत सारे कैंडल है जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, कैंडल है बट प्रॉपर पहचान नहीं, तो सर प्रॉपर पहचान जो कैंडल का नाम मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ये सब मेन मेन कैंडल है, तो मारुबुजु इज देयर, बुलिश मारुबुजु इज देयर, बियरिश मारुबुजु, अच्छा बुलिश और बियरिश अलग है, हाँ सर वो कहाँ फॉर्म हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, दोजी बार बार आपको दोजी दिखा रहा था, ये तूफान आने से पहले का संकेत देता है, कभी 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 कालबोईशाकी नॉर्वेस्टर जो हमारे यहाँ पर होता है वेस्ट बंगाल में, नॉर्वेस्टर आने से पहले कभी कभी ऐसा भी होता है, देखना ऑब्जर्वेशन पावर देखो, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कितना गर्मी है सारा दिन, ठीक है, टू मच हॉटनेस थ्रू आउट द डे, आपको लगा कि आज शाम को बारिश होगा, मतलब वेदर भी एकदम शांत सा पड़ा है, पर फिर भी ऐसा हुआ बारिश ही नहीं हुआ, ऐसा होता है, मतलब आप वेट कर रहे थे कि सारा दिन बहुत गर्मी है, शाम को क्लाउड भी फॉर्म हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ था लेकिन बारिश नहीं हुई, बट नो रेन, ऐसा होता है, प्लीज टेल मी, यस सर, एग्जैक्टली मार्केट में भी होता, मतलब कोई कोई स्टूडेंट ऐसा बोलता है, दादा आपने बोला था दोजी फॉर्म होने के बाद मार्केट में कुछ होता है लेकिन हुआ नहीं, तो मतलब दोजी काम नहीं किया, ऐसा है क्या, दोजी कई बार यहाँ पर देखो दोजी के बाद मार्केट में एक चेंजेस देखने को मिला है, लेकिन देखो यहाँ पर भी दोजी था, बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ पर भी दोजी था ज्यादा कुछ नजर नहीं आया, यहाँ पर भी था ज्यादा कुछ नजर नहीं आया, हल्का सा हुआ है, हल्का सा हुआ है, तो आप कभी कभी देखोगे कि कुछ हुआ ही नहीं प्रॉपरली, कुछ हुआ ही नहीं प्रॉपरली, तो क्या करोगे, तब दोजी खराब हो जाएगा क्या, या आप बोलोगे नहीं दोजी का नॉलेज बेकार है, ऐसा नहीं है, वेट करो, पेशेंस बहुत जरूरी चीज होता है मार्केट में, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंस विथ टाइमिंग्स, मतलब सही समय का इंतजार करो, सही बॉल में मारो, ठीक है, वो खेल वो होता है खेल, बुलिश मारू को जो दोजी स्पिनिंग टॉप्स दिखाते हैं, ये थोड़ा सा मतलब दोजी का थोड़ा बड़ा भाई है, पेपर अम्ब्रेला दिखाते हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, दीज आर फेमस फेमस सिंगल कैंडल स्टिक्स, बड़ा फेमस है ये, दिख जाए मार्केट में ना खुश हो जाना, क्यों, क्योंकि आपको ना कैंडल पहचान में आ गया, और पहचानने में क्या होता है, मार्केट का एनालिसिस सामने आ जाता है सर, मल्टीपल में देख लो, इंगलफिंग, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना कैंडल मैं आपको क्लास में बताऊंगा, अगर इतना कैंडल में अगर आपका पूरा ग्रिप आ जाए, आपको और कैंडल का जरूरत नहीं है, ऐसे अगर आप सॉफ्टवेयर में ढूंढोगे आपको बहुत सारे कैंडल नजर आए, ठीक है, लेकिन बिलीव मी ये जो बेसिक कैंडल स्टिक्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बेसिक नहीं मेन मतलब प्रीमियम कैंडल, इतना जान लो काफी है, काफी, बाकी समय के साथ साथ एक दो और एक्स्ट्रा सीख जाओगे, लेकिन जो भी सीखोगे इसके मतलब इस ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, इसके बाहर जाके कुछ भी नहीं बना है, हाँ दो चार अलग अलग नाम आपको शायद बाद में सुनने को मिले, ठीक है, लेकिन आप एक बार ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो आप देखोगे कि अल्टीमेटली आप लोगों ने जो सिंगल कैंडल स्टिक्स और मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पढ़ा, उसी के बीच से ही उसको एक अलग से इम्प्रोवाइज करके नाम दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट वही नाम नया, इंगलफिंग पैटर्न, इंगलफिंग इज लाइक अ माँ के पेट में बच्चा, नहीं वो तो हरामी है, इंगलफिंग मतलब वो भी कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कैंडल एक छोटा कैंडल को खा लेता है, ठीक है, मतलब सॉरी कुछ इस तरह का देखने में होता है, मानो कि एक छोटा कैंडल है और एक बड़ा कैंडल ऐसा है, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि बड़ा कैंडल छोटा कैंडल को पूरा
अपने अंदर ले लेगा, तो उसको इंगल्फिंग बोलते हैं। आगे आगे डिटेल्स में बताते हैं सर। इंगल्फिंग बहुत बहुत पॉपुलर है, वेरी वेरी पॉपुलर। मतलब आपको क्या बताऊं कि जब भी कोई किसी को ट्रेडर को इंगल्फिंग दिख जाता है ना, वो मार्केट से हटता नहीं है, मतलब वो ट्रेड लेके ही छोड़ता है, इतना पावरफुल है। हरामी पैटर्न भी बहुत पावरफुल माना जाता है, उसका भी दो टाइप्स है, बुलिश एंड बियरिश। पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर बताएंगे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ऑफ कोर्स यू मस्ट वंडरिंग व्हाट दिस नेम्स मींस, आपके मन में चल रहा है ये सब नाम जान के क्या होगा, नाम में क्या छुपा है, नाम में छुपा है सर। सम ऑफ द पैटर्न्स रिटन ओरिजिनल जापानीज नेम, किसी किसी का अभी भी जापानीज नेम है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न हेल्प द ट्रेडर डेवलप कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू, बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आप फ्यूचर ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेड करो, या इंट्राडे ट्रेड करो, या फिर फंडामेंटल लेवल में कोई पर्टिकुलर स्टॉक को पोजिशन मिले। पोजिशन मिलना मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो, बट एंट्री कब करोगे समझ में नहीं आ रहा है। एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए भी आपको हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर ITC लेके भी आपसे बात कर रहा है ना। ITC का स्टॉक रिसेंटली आपको ब्रेकआउट मिला है ना सर, ITC के स्टॉक में रिसेंटली ब्रेकआउट मिला। तो कहना ये चाहते हैं सर कि जब ITC का स्टॉक लगातार काफी दिनों से एक ट्रेंड बना बना के रखा था, तो किसी किसी के मन में चल रहा था क्या ITC ले या ना ले, ले या ना ले, ठीक है, क्या ग्रोथ होगा। जैसे यहाँ पर एक हैमर मिला है, ठीक है, क्या ग्रोथ होगा, क्या ग्रोथ होगा। तो ये ग्रोथ होगा कि नहीं होगा ये भी कैंडल आपको बताएगा, और आप कैंडल स्टिक पैटर्न के जरिए से स्टॉक में पोजिशन ले सकते हैं। और आपको शॉर्ट टर्म कुछ नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म ही जाना है। जैसे अगर किसी को लग रहा है कि क्या अभी लेना सही होगा, तो देखना है, ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में इसका क्या पोजीशन बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये 420 तक करेंटली जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चर। मोस्ट प्रोबली मैक्सिमम 410, 15, 20 तक जाएगा, फिर ऐसे ही घुमा फिरा करेगा, ठीक है। मतलब फिर से ब्रेकआउट इतना जल्दी तो नहीं मिलने वाला, ऐसे इसी इसी तरह का रेंज में घुमा फिरा करेगा। 420 थोड़ा ज्यादा ही मैंने बोल दिया। हाँ बोलो, বলছি কি যে আমি দেখছি ফলো করছি যে এখানে হ্যামার ক্যান্ডেল স্টিক তৈরি হচ্ছে, তারপরে একটা পজিটিভ ইন্ডিকেট দিচ্ছে, তারপরে মানে ক্যান্ডেল স্টিক গুলো দেখছি গ্রিনই হচ্ছে বেশি, আর রেড কম দেখছি, রেড খুব কম হ্যামারের পরে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যামার হ্যামার বহুত ভাইটাল হ্যায়, মতলব ও হ্যামার ইজ লাইক আ কি তুমি এক ছোটা সা পুতুল জেসে হ্যামার মে কিয়া করতে, হাতোড়া মারতে হ্যায় না, হাতোড়া মার কে না উসপে গ্রোথ নজর আতা, ইয়ে 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 বহুত ভাইটাল ক্যান্ডেল হ্যায়, ठीक है। तो वेट कर, अभी बहुत कुछ कुछ देखने को मिलेगा। ईच एंड एवरी स्टॉक में थोड़ा बहुत अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से समझ पाते हो ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू गजब का बने, गजब का। तो जैसे चलो आप थोड़ा सा एजम्पशंस बता, हर एक कैंडल का अपना एजम्पशंस है, ईच एंड एवरी कैंडल कुछ बताते हैं। जैसे वो एक एशियन पेंट्स का या कुछ कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, हर घर कुछ कहता है, हर कैंडल कुछ कहता है। सो एट दिस स्टेज दीज असम्पशंस मे नॉट बी वेरी क्लियर टू यू, आई विल एक्सप्लेन देम इन ग्रेटर डिटेल जब धीरे धीरे और प्रोसीड करेंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बताना चालू कर दिया, ठीक है। जैसे कि बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, सर असम्पशन समझो, buy strength, sell weakness, be flexible with patterns, quantify and verify, look for a prior trend. क्या बात कर दी मैंने, तीन इंपॉर्टेंट बात कर दिया, buy strength, sell weakness, be flexible with pattern, quantify and verify, look for a prior trend. Now what is the meaning of this? As a trader आपको खरीदना चाहिए जब स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आता है, और सेल कब करना चाहिए जब आपको स्टॉक में वीकनेस है। अच्छा, स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने का बहुत सिंपल पैटर्न मैं आपको शायद अदानी में ही समझा रहा था, आपको अदानी में ही समझा रहा था स्टार्टिंग में, है ना, कि जब आपने अदानी को देखा, क्योंकि अदानी में रिसेंटली सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ है। ऐसे इस पॉइंट में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो जो वीकली पोजिशन लेके बैठा हुआ है, जब भी उसको यहाँ पर स्पिनिंग टॉप दिखा था
या दोजी लिखा था, उसके बाद एक हल्का मारुगुजु नजर आया। इस पॉइंट में जो समझ गया वो शायद यहाँ पर पोजीशन लेके सेल करके निकल गया। पोजीशन जिसका था, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात नहीं करता हूँ, मतलब जो होल्ड करके रखा है अदानी को, बहुत सारे लोग होल्ड करके रखता है लॉन्ग टर्म के लिए, उनको कुछ नहीं करना चाहिए और चुपचाप बैठे बैठे तमाशा देखे, उल्टा मौका मिलने से न्यू पोजीशन ले ले, एवरेज आउट हो जाएगा। कैसा, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 1000 शेयर था अदानी का, एक एक शेयर का दाम चल रहा था 3000 करके, तुम्हारे तुम्हारा कितना इन्वेस्टमेंट था मार्केट में? हेलो, अरे बोलो ना। थर्टी लाख। ओके, तुमने ऑलरेडी 30 लाख मार्केट में लगा के बैठे हुए हो अदानी में, अदानी इंटरप्राइज के स्टॉक। अब आपको यहाँ पर अचानक से, ये लॉन्ग टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुम लॉन्ग टर्म हो तो तुमको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा सजेशन। तुम अगर लॉन्ग टर्म हो तो तुमको जो मार्केट गिरता है ना, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्टॉक देखो 1500 में आके रुका, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1500 में आके रुका, तो तुम्हारा स्टॉक पूरा 3 लाख का स्टॉक 1.5 लाख हो गया, 50% में खत्म। अब तुमको डर लगे कि ना लगे, खराब लगे कि ना लगे, बहुत खराब लग रहा होगा, कहाँ थे कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए हम देखते देखते। अब इस सिचुएशन से लॉन्ग टर्म वाले कैसे उभरेंगे? अगर उसको फंडामेंटल, देखो जैसा जो लॉन्ग टर्म में गया है ना, वो शॉर्ट टर्म में सिर्फ एंट्री एग्जिट समझता है, बट वो लॉन्ग टर्म में उसको एक चीज समझना चाहिए, ये फंडामेंटल बात है। क्या स्टॉक के प्रति आपका कॉन्फिडेंस है? क्या कंपनी के बिजनेस के प्रति आपका कॉन्फिडेंस है? क्या आपको बिजनेस मॉडल पसंद है? क्या आप बिजनेस को समझते हो? क्या उसका ग्रोथ और वैल्यू के बारे में आइडिया है? अगर है तो विश्वास रखो, और अगर विश्वास है, अगर विश्वास है तो थोड़ा सा किसी भी चीज में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, जो भी कोई भी आके हिलाना चाहे, कोई भी कारण से हिल जाए, चाहे वो नेचुरल रीजन हो, चाहे वो जैसे कोरोना जैसे रीजन भी हो सकता है, या हिंदुबाग जैसे कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको बिलीव है तो आप न्यू पोजीशन ले लो। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर भी पोजीशन ले सकता था, कुछ लोगों ने यहाँ पोजीशन लिया। ये देखो सर, यहाँ पर एक खरामी बना लो, ये देखो खरामी, एक बड़ा कैंडल, फिर उसके सामने एक छोटा कैंडल, और स्टॉक में ग्रोथ नजर आए। तो यहाँ पर भी किसी ने अगर कितना में खरीदा, 1200 में अगर खरीदा है तो अभी 2000 चल रहा है पर शेयर में 800, तो अगर उसके पास 1000 शेयर था तो 1000 × 800 करके उसने, मतलब ये न्यू पोजीशन लेने के लिए बोल रहा हूँ मैं। क्यों? मैं बोला ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस है बिजनेस पे, और ये फिर से आपको कैंडल स्टिक वाइज भी एंट्री पॉइंट बता रहा है कि आप न्यू एंट्री कर सकते हो, आप न्यू एंट्री कर सकते हो, और आपका जो लॉस यहाँ पर हुआ था, ये लॉस एवरेज आउट हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में आप अल्टीमेटली उसी बेनिफिट में रहोगे जो आपके पास था। इसका और भी बड़ा तरीका है, ये तो हो गया स्पॉट मार्केट। अगर आप सिमिलर कॉन्सेप्ट, इसको हेजिंग भी बोलते हैं, फ्यूचर मार्केट में सिखाएंगे हेजिंग, चाहोगे सीखना? जब मार्केट गिरता है तो कैसे आप अपने स्टॉक को लॉस से बचा सकते हो, प्रॉफिट नहीं होगा आपको, बट अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिख जाए, अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिख जाए कि भाई मार्केट गिरेगा और गिर रहा है, जैसे यहाँ पर ही समझ जाना चाहिए, अगर जो यहाँ समझ गया, आगे का मार्केट गिरने को तो वो रोक नहीं सकता, मार्केट तो गिरेगा, बट अपना लॉस को बचा सकता है क्या, लॉस को सेव कर सकता है क्या? यस, दैट इज पॉसिबल, बट वो स्पॉट मार्केट में नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको फ्यूचर और ऑप्शंस मार्केट में करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा काम करता है ये चीज फ्यूचर में, ऑप्शन नहीं, फ्यूचर मार्केट में आप कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? बहुत जल्दी आ जाएंगे इस टॉपिक में, उसको बोलते हैं हेजिंग करना। ए बुझे जाच्चे, मतलब सिंपल बात है, मतलब गिरते हुए मार्केट में ट्रेड लेना। मार्केट गिरेगा, स्पॉट मार्केट में लॉस हो जाओगे, स्पॉट मार्केट में लॉस हो जाओगे, 1.5 लाख का लॉस खा के बैठे हुए ना सर, कोई बात नहीं, बट आप फ्यूचर मार्केट में सेल कर लो, फ्यूचर मार्केट में सेल कर लो, मार्केट जितने में गिरेगा उतने का प्रॉफिट हो जाएगा आपका, तो इधर 1.5 लाख का लॉस है तो उधर 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा,
আলটিমেটলি 1.5 লাখ লস আর 1.5 লাখ প্রফিট, ক্যা হো জায়েগা? জিরো, মতলব আলটিমেটলি আপনার লস নেই, আপ পজিশন কো হোল্ড করকে রাখ পায়ে, মতলব আপকো দিল মে জো দর্দ, দিল মে মেরে হাত দর্দ হে ডিসকো, ও দর্দ নেই রহেগা। ये करते हैं लोग जो मार्केट को समझते हैं, वो इस तरह से हेजिंग करता है, लेकिन वही बात है सर, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, सब काम करता है एक साथ, ठीक है? बहुत सारे बातें हैं सर, लेकिन जो बात मैं बार बार कर रहा हूँ, बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, ठीक है? सिंपल बात करते हैं अभी, शायद मैं फ्यूचर में बात कर लिया, हेजिंग में बात कर लिया थोड़ा सा, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेंथ में बाय कर, बाई करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ में बाई करो। जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आया था अदानी में, तो जिसने बाई किया मौका में है, अभी मौका में है वो, बिल्कुल ठीक है, पूरा मौका उठा रहा है। और जिसने बाई नहीं किया कोई बात नहीं, बाद में मौका मिलेगा, ठीक है सर? अपॉर्चुनिटी खो दिया क्या? हाँ खो दिया, एक करेंट अपॉर्चुनिटी तो खोया है, बिल्कुल खोया है। अच्छा, ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अच्छा, अब बात क्या है, इसीलिए बोलते हैं स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय बुलिश एंड ब्लू कैंडल एंड वीकनेस ऑफ बाय बेयरिश कैंडल, हेंस व्हेनेवर यू आर बाइंग एंश्योर इट इज अ ब्लू कैंडल एंड व्हेनेवर यू आर सेलिंग एंश्योर इट्स अ रेड कैंडल। मतलब सेल उसी दिन करो जिस दिन रेड कैंडल नजर आए, बाय उस दिन करो जिस दिन आपको ब्लू या ग्रीन कैंडल नजर आए, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, आगे और बताएंगे। अच्छा, बी फ्लेक्सिबल मतलब क्या, मतलब कैंडल स्टिक का ना कुछ अपना फीचर्स होते हैं, जैसे आपको मैं बोल रहा था कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखो, हो सकता है कि एग्जैक्ट कॉपी बुक डेफिनेशंस फॉलो ना हो सकता है, मतलब आपने जैसा पढ़ा कैंडलस्टिक का कैरेक्टर एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ, हो सकता है ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आप उसको पहचान लेते हो ना, थोड़ा बहुत भी मतलब हल्का फुल्का, इसीलिए बोलते हैं बी फ्लेक्सिबल एंड क्वान्टिफाइबल। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ का, कि एकदम कॉपी बुक कैंडल नहीं मिलेगा कभी कभी, तो जब कॉपी बुक ना मिले अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, कैरेक्टर को समझो, ये टेक्निकल का बहुत जरूरी है assumption से। एंड लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड, लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड मतलब कैंडलस्टिक, हर कैंडल का कुछ अपना अपना बात होते हैं, कोई बियरिश में बनते हैं तो कोई बुलिश में बनते हैं, किसी किसी कैंडल के केस में ऐसा होता है कि वो ट्रेंड में ना बना तो वो कैंडल का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अगर ये बियरिश है ये बुलिश है तो किस पर्टिकुलर ट्रेंड में कैंडल फॉर्म हो रहा है ये मायने रखता है, ये मायने रखता है कि ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड के हाई में है कि डाउन ट्रेंड के लो में है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो स्टॉक आगे किधर जाएगा, इसलिए कहते हैं लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड। ये तीन पॉइंट जिसको समझ में आ गया वो मार्केट में हमेशा ट्रेडिंग में फायदे में रहे, जो ये बात भूल जाता है वो दिक्कत में पड़ जाएगा। लिख के रख लो, लिख के रख लो ये तीन बार, लास्ट लिख के रख बोलो एक बार, लास्ट लास्ट लुक फॉर जो लास्ट पॉइंट और एक टू और एक टू बोलो टू प्रायर ट्रेंड, लुक फॉर प्रायर, प्रायर माने बिफोर, प्रायर माने बिफोर, ओके। से फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल यहां पर फॉर्म हुआ है, ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैं छोटा सा एग्जाम्पल फॉर्म करने से पहले तुमको एक कैंडल ही दिखा देता हूँ। जैसे अभी सिंगल कैंडल का चालू होगा, ठीक है, सिंगल कैंडल में मारुबुजु है, ठीक है, अगर मैं मल्टीपल कैंडल में जाऊँ तो आपको मल्टीपल में सिंगल सिंगल नजर आए, ये मल्टीपल सिंगल सिंग दिख रहा है, सिंगल सिंग, ठीक है, देखो एक बड़ा कैंडल और एक छोटा कैंडल, देखो बड़ा कैंडल को देख के छोटा कैंडल कितना खुश, ठीक है, कुछ इस तरह का देखने में होता है, लुक एट एकदम आपको यहाँ पर इमेज देख के दिखाया गया है। आप इसी चीज को आपको रियल मार्केट में ढूंढना है, इसी चीज को आपको लाइव मार्केट में ढूंढना है कि भाई ऐसा कहाँ बन रहा है, अगर आप ढूंढ लेते हो आप हमेशा फायदे में रहोगे। लुक एट सर, ये कैंडल एक ओरिजिनल से ही बनाया गया सर, बायोकॉन कंपनी का कैंडल स्टिक से। जस्ट लुक एट द पैटर्न, हाँ पैटर्न देखो आप, डाउन ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड क्या है, हेलो विश्व
बोलो प्रायर ट्रेंड क्या है? डाउन ही मतलब बेयरिश है कि बुलिश है? মানে আগেরটা দেখে মানে পরের মানে প্রথমে প্রথমে ডাউনে যাবে, তারপরে আপ হবে। नहीं, ये बाद में क्या होगा वो उसको छोड़। देख देख विश्व, तो बात को समझ। यहाँ पर ये जो ग्राफिकल लाइन जो खींचा हुआ है इसको समझने का कोशिश कर। दिस इज द प्रायर ट्रेंड, दिस इज द प्रायर ट्रेंड मतलब दिस एरिया। ये बाद में क्या हुआ है, ये जो लेटर पार्ट जो है ना इसको इग्नोर कर। ये हमें पता नहीं है, ये जो एरिया है ना, वी डोंट नो दिस। ये तो बाद में हुआ ही, ये कॉम्प्लीट कैंडल है बोल के दिखा रहा हूं मैं, लेकिन रियल सिचुएशंस में तुमको ये चीज नहीं नजर आएगी। ये तो फर्दर होगा। दिस इज नॉट योर पार्ट। योर पार्ट इज पहले क्या हुआ था, पहले से मार्केट अप था, फिर मार्केट डाउन गया। डाउन के बाद एक सर्टेन टाइम पे आके, डाउन के बाद एक सर्टेन टाइम पे आके मार्केट में एक आइडेंटिफाइबल कैंडल मिला। आइडेंटिफाइबल कैंडल मतलब जैसे ये एक इंगल्फिंग कैंडल है। इंगल्फिंग कैंडल का कैरेक्टर क्या है, जैसे सबको भी रैंडमली बता रहा हूँ, मैं डिटेल्स में फिर बताऊंगा, ठीक है? एकदम ईच एंड एवरी पॉइंट करके मैथमेटिकली बताऊंगा। इंगल्फिंग कैंडल का कॉन्सेप्ट सर होता है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है क्यों? आवाज आ रही है। इनकी तुम्हारा आवाज मुझे मिला, एक बार रिज्वाइन करो ना इनकी, रिजॉइन करके भी नहीं हुआ, या माइक्रोफोन सेटअप को थोड़ा चेंज करो। मतलब तो कभी कभी ऐसे होते हैं माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम होता है। हेलो, हाँ सर अभी आ रही है। ओके, तो मैं जस्ट आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इंगल्फिंग के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको कि रफली इंगल्फिंग बता रहा हूँ कि इंगल्फिंग अगर डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, मतलब प्रायर ट्रेंड अगर बियरिश है। प्रायर ट्रेंड, प्रायर मतलब बिफोर, ठीक है? बिफोर ट्रेंड अगर बेयरिश है और उसके बाद अगर आपको पहला वाला जो कैंडल है वो रेड कैंडल ही रहेगा। रेड मतलब बेयरिश कैंडल। दो कैंडल है यहाँ पे, रेड पहला वाला, रेड वाला वन, और सेकेंड वाला ग्रीन और ब्लू, ठीक है? पार्ट टू जो है वो बुलिश है, ठीक है? पार्ट टू बुलिश है, पार्ट वन बेयरिश है। दोनों कैंडल एक साथ देखो आप। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको मैं करंट मार्केट में दिखा रहा हूं। करंट मार्केट में ऐसा सिचुएशंस ये देखो, दिस वन, नजर आया? है ये यस अदानी, ये अदानी में रिसेंटली हुआ है। मार्केट गिर रहा था, पूरा सेम है जैसे बायोकॉन का जो मैं अभी आपको दिखाया, जो पुराना पैटर्न से स्क्रीनशॉट लिया गया है, 2013 14 में स्क्रीनशॉट है, लेकिन मैं आपको 2023 में बता रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट सेम काम कर रहा है। वो बायोकॉन में है, ये अदानी में है, डजेंट मैटर। टेक्निकल हर जगह में पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदानी का पैटर्न और बायोकॉन का पैटर्न में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर कंपनी मैटर नहीं करता, यहाँ पैटर्न मैटर करता है। अच्छा देखो, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। पहला कैंडल देखो, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में है तो पहला कैंडल बियरिश ही रहेगा, बट सेकेंड कैंडल जो है वो बुलिश हो गया। ये एक्चुअली ये जो पहला कैंडल बियरिश और सेकेंड कैंडल बुलिश, ठीक है? अच्छा, इसमें इंगल्फिंग कैसे हुआ है? इंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि पहला कैंडल, अच्छा उसका जो ये है आपका मतलब लोअर शैडो है, काफी बड़ा है, लेकिन बॉडी को पूरा पूरी ले चुका है। बॉडी को पूरा पूरी ले चुका है मतलब पूरा बॉडी जो है, देखो ये सेकेंड कैंडल का जो बॉडी है वो फर्स्ट कैंडल का बॉडी को कंप्लीटली अपने अंदर लिया है। यस और नो? इंगल्फ का यस मतलब होता है, इंगल्फ का मतलब होता है जैसे अपने अंदर समा लेना। इट्स लाइक कि बड़ो कैंडल का छोटो कैंडल के पूरी पूरी ग्रास करने में, इंगल्फ मतलब ग्रास करने में। ओके, तो इट्स लाइक कि बॉडी पूरा ग्रास किया है लेकिन शैडो नहीं कर पाया। अब कॉपी बुक डेफिनेशन कहते हैं कि शैडो भी ग्रास करना चाहिए। प्रॉपर इंगल्फिंग में शैडो को भी लेना चाहिए, ये प्रॉपर डेफिनेशन कहते हैं। लेकिन हर बार आपको ऐसा नहीं मिलेगा,
एवरी टाइम आपको सिमिलर नेचर नहीं नजर आएगा। तो अगर आपको सिमिलर नेचर नहीं नजर आएगा तो फिर आपको क्या कॉन्सेप्ट में बता रहा है, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफायबल, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफायबल। लुक एट दिस, ये एकदम कॉपी बुक बना है बायोकॉन का, ये वाला कैंडल ओरिजिनल कैंडल है, बस पुराना डेट का है। देखो ऑलमोस्ट सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को, मतलब रेड कैंडल को पूरा जकड़ लिया, मतलब पूरा का पूरा रेड बॉडी तो आ ही गया, इवन इसका शेडो भी इसके अंदर आ गया है, बट हाँ अपर शेडो थोड़ा सा बाहर निकला, थोड़ा बहुत फर्क रह गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंगल्फ का मतलब पूरा इंगल्फ करेगा, ठीक है, हल्का फुल्का इंगल्फनेस में, मतलब मेन बॉडी आ जाए काफी, मेन बॉडी इंगल्फ कर जाए दैट इज काफी, लेकिन ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाउन ट्रेंड में ऐसा होना चाहिए, तभी ये रिवर्स गियर में जाने का चांसेस है, तभी ये रिवर्स गियर, मतलब लगातार 10-15 सेशन से नीचे जा रहा है, उसके बाद एक इंगल्फिंग बन गया, अब आंख बंद करके यहां पर ट्रेड लो सर, यहां पर सेकेंड डे के क्लोज पे, सेकेंड डे का क्लोज याद करो सर, कैंडल का क्लोज क्या होता है, ठीक है, सेकेंड डे के क्लोज में पोजिशन लो। अगर आप यहां पर भी पोजिशन लेते हो, आप देखो यहां तक होल्ड करोगे तो भी आपको फायदा है। सिमिलर चीज आपको मैं अदानी में भी रिसेंटली दिखा रहा कि जब भी अदानी गिर रहा था एकदम, है ना, उसके बाद आपको इंगल्फिंग नजर आया, आप यहाँ पर ट्रेड सेटअप कर लिए, आप सेकेंड डे में यहाँ पर आप पोजिशन कितने में, 1500 में पोजिशन हुआ, 1500 में पोजिशन लेके आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, 6 तारीख, तो 6 तारीख से आप अगर मोटा मोटी अगर आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, ऑप्शंस के लिए भी सोच रहे हो, डजेंट मैटर, या स्पॉट मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हो आप करेंटली, 6, 7, 8, 10, ये देखो 10 तारीख, ठीक है, 8 तारीख तक देखो आप, 8 तारीख तक देखो कहाँ गए आप, यहाँ पर देखो बहुत सारा खेल है, मैं समझाता हूँ आपको। अब 8 तारीख आप पहुँच गए ना सर, 8 तारीख में आपका शेयर का दाम कहाँ चला सर, बोलो, हाईएस्ट पॉइंट 2205, आपने बाई किया था कितने में, 1500 में, अगर आप 2205 में, अब सवाल ये है सर क्या सेल करके निकल जाना चाहिए, 2205 में क्या सेल बटन दबा दे, पता कैसे चलेगा, रियल लाइफ में ये डेटा तो आपके पास अवेलेबल होगा नहीं, इन रियल सिचुएशंस आपके पास ये डेटा तो अवेलेबल होगा नहीं, तो फिर सेल क्यों करोगे, उसका भी कारण आपके सामने है, अब यही तो पहचानने का। हाँ बोल वेरी गुड सर, वेरी गुड, आप लोगों ने पकड़ ली, थैंक यू सर, कहाँ चला गया है, यस दिस वन, ये मारुबोजू बना है, ये जो लास्ट कैंडल बना है सर ये मारुबोजू बना है। अच्छा मारुबोजू का ना कोई ट्रेंड नहीं होता है, मतलब जो कॉपी बुक डेफिनेशन है वो किसी ट्रेंड के बारे में नहीं बोलते कि मारुबोजू ऑलवेज किसी ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब अप ट्रेंड में होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, मारुबोजू कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे का मतलब समझते हो, जब कहीं पे कुछ भी नहीं था तब मारुबोजू था, मारुबोजू मतलब समझे, कुछ नहीं है अचानक से मारुबोजू दिख गया आपको, मतलब ट्रेंड चेंज होगा, यही संकेत देता है, आप ट्रेंड को डाउन करेगा, डाउन ट्रेंड को अप करेगा, या कुछ भी हो सकता है, फर्दर डाउन भी हो सकता है, फर्दर अप भी हो सकता है, लेकिन मारुबोजू आ गया मतलब आपको संकेत दे रहा है कि देयर मे बी समथिंग, जो कुछ तो बदलेगा। अच्छा चलो किसी ने यहां पर नहीं समझ पाया, यहां तो समझ जाओ भाई, सेकेंड डे पे जब सच में रेड कैंडल बना, दिन का कैंडल जब बन रहा था, आवर का कैंडल बन रहा था, तब तो देख लो, बीच में भी निकल सकते हो, अगर यहां तक भी निकल जाते हो तो भी 2032 में निकलोगे, निकलो सेल करके, क्लोज करो पोजीशन, स्क्वायर ऑफ करके निकल जाओ, शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट होता है लेके निकलो, ऐसा होता है कैंडलस्टिक्स, कैंडल आपको इस तरह से हेल्प करता है। अब आपको दो कैंडल अभी सिखा दिया रियल सिचुएशंस के साथ, अब जितना अपने आप को माजोगे, जितना माजना मतलब समझते हो ना, बर्तन जैसे धोते हैं ना, घसते घसते और चक चक करोगे। ओके तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, मैं आपको धीरे धीरे ना आपको वही कैंडल पहचानना जरूरी,
ठीक है। तो ये आगे का क्लास वही रहेगा, नेक्स्ट वीक मैं आपको डिफरेंट कैंडल्स पे पूरा डेटा एनालिसिस, आज मैं कोई भी कैंडल ऐसे बोला नहीं डिटेल्स में, बट नेक्स्ट क्लास से मैं आपको हर एक कैंडल की डिटेल्स दूंगा। उसके बाद मार्केट में आप लोगों को होमवर्क दूंगा कि आप ढूंढो, ढूंढ के आपको बताओ, हमारे जेक्यूटी डेरिवेटिव का एक ग्रुप है, जो है वो बताओ मैं उनको, वो तो पता ही है उनको, जो नहीं है उनको मैं ऐड कर दूंगा। और आप लोग अपना जो भी रिसर्च है, जो आप सीख रहे हो क्लास में, उसको रियल लाइफ में क्या कर रहे हो, उसको देख के बताओ, बोला करो उस पर, सर्कल करके व्हाट्सएप के थ्रू से या कहीं से भी सर्कल करके इमेज पोस्ट करो, ये देखो सर मालूम मुझे हुआ था, शेयर करो अपना नॉलेज, शेयर करोगे तो आपको ही फायदा और आपके क्लासमेट्स को भी फायदा, सबको फायदा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी कैंडल पैटर्न के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, ठीक है सर, आशा करते हैं कि आपको मार्केट समझने में मजा आ रहा हो और रियल सिचुएशंस पे क्या करना चाहिए उसको भी समझने में आपको मालूम जा रहा हो। तो नेक्स्ट क्लास बाकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बात करेंगे, नेक्स्ट मतलब अपकमिंग कल और परसों। ओके ठीक है सर, आज इतना ही है। ओके दादा, बाय। ओके टाटा सर। ओके टाटा।